जिसको आप शिवलिंग कर रहे हैं, जिसको मैं फवारा कर, इसी के आधार पर फैसला कर लीजिए। फवारा फवारा आपके कब से है? फवारा बिल्कुल कहीं नहीं है, इसलिए वो हमारा शिवलिंग था, है और रहेगा। बता सकते हैं कि औरंगजेब के जमाने में किस तरह की बिजली पैदा होती थी कि वो फव्वारा लगाया गया था? अखिलेश जी वहाँ मंदिर बनवाएंगे, उनके पिताजी कार्तिकों पे गोली चलवा सकते हैं, तो वो मंदिर बनवाएंगे। और मैं गंगा तट पर खड़ा होकर कहता हूँ, वो मंदिर है, मंदिर रहेगा और मंदिर था। कब आपने बनाया? एक मिनट, कब फव्वारा बनाया आपने? एक मिनट बताजी, आपने कब इसको फव्वारा को बनाया बताइए? जब फव्वारा जब मस्जिद बनी है, जब मस्जिद बनी तब उसके साथ फव्वारा चलते हुए देखे हैं कभी? हमेशा चलता है। आप चलते हुए देखे हैं? आप कभी फव्वारा चलते हुए देखे हैं? नहीं जी, मैंने नहीं देखा। फिर कैसे फव्वारा? ये तो हमने उनको ये नंदी जी भेंट दिया था और कहा था कि ये नंदी जी अकेले बैठे हैं, इन्हें इनके इष्ट से मिलाएं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि दो महीने के अंदर इनको इनके इष्ट मिल गए। जैसे राम मंदिर बना है वैसे ही बाबा विश्वनाथ का फिर से मंदिर बनेगा। उस मस्जिद का नाम बता दे। ज्ञानवापी मत बताए, ज्ञानवापी हमारा ज्ञानकूप है वो। ऊपर से औरंगजेब अगर फुहारा लगाया तो पानी के अंदर क्यों लगाया? पहले अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात, अपना उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार, मैं कनिका और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। आज यहीं खड़े होकर 80 घाट यानी कि बनारस के 80 घाट पे खड़े होकर लोगों से बातचीत करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना है जनता का। क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण बाबा जी। शिवलिंग है या फव्वारा है? शिवलिंग है, शिवलिंग। क्या क्या अभी तो कोर्ट ने न्यायालय में कोई आदेश नहीं आया इस चीज को लेकर? इस चीज के लिए आपके लिए हो सकता है कि शिवलिंग है या इस बात की शंका आपको है। हम तो जो है शुरू से ही कहते हैं, हम सनातनी है कि हमारा शिवलिंग है, बाबा विश्वनाथ है यहाँ पर जो है। इसीलिए ये लोग जो है इसको जाँच नहीं करने देना चाहते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वह शिवलिंग है। बट लगातार मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो एक फव्वारा है जिसको शिवलिंग बनाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि मस्जिद को तोड़ा जा सके और मंदिर बनाया जा सके। देखिए, वो मस्जिद को नहीं तोड़ा जा सके, उस मस्जिद का नाम बताएं। ज्ञानवापी तो मत ही बताइएगा, ठीक है ना? ज्ञानवा कुछ और उस मस्जिद का नाम बता दीजिए अपना, जो इतना पूरी दुनिया सुन रही है जो भी है, उस मस्जिद का नाम बता दे। ज्ञानवापी मत बताइए, ज्ञानवापी हमारा ज्ञानकूप है वो, ठीक है? हमारा संस्कृत श्लोक का शब्द का अर्थ है ज्ञानवापी, किसी मस्जिद का नाम नहीं है। और प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, बाबा नंदीश्वर वहाँ मुख करके बैठे हैं और जो गुब्बारा बता रहे हैं उनके आँख नहीं है, उनके जैसे मूर्ति का वहाँ पे तो वजू खाना बनाए हुए हैं वहाँ पे रोज। बता रहा हूँ, वो गलत बता रहा हूँ। अभी जो है कुछ दिन पहले, एक मिनट, अब कुछ दिन पहले आप लोग तमाम वायरल वीडियो देखे होंगे, एक मोबाइल से लेके वीडियो तक के थूक के करने का, ठीक है ना? वही चीज इन लोगों का है कि हम लोगों को एक दंश देने के लिए ये सारा इन लोगों का जो है किया धरा है। बट एक तरफ अगर देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं कि लगातार उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी मस्जिदों पे टारगेट किया जा रहा है। खुद अत्याचार करके आज के जमाने में दुनिया बदल चुकी है और खुद को जो है कह रहे हैं कि हमारे पता खुद मार रहे हैं और बोले कि हमको मार रहे हैं। क्या लगता है? मंदिर है, मंदिर है। और अगर फाउंटेन बताया जा रहा है तो मैंने विश्व में पहला ऐसा फाउंटेन देखा जो कि बंद है। मतलब फव्वारे का अर्थ क्या हुआ अगर उसको ऊपर से बंद कर दिया गया तो? फव्वारा होता है खुले में, बंद में कोई फव्वारा। ये मुस्लिम पक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि वो फव्वारा बहुत सालों पुराना है इसलिए खराब हो गया, इसलिए पानी नहीं आ रहा है। वो तो वही बता सकते हैं कि औरंगजेब के जमाने में किस तरह की बिजली पैदा होती थी कि वो फव्वारा लगाया गया था वहाँ पे, क्योंकि ना पंप है, ना पाइप है, ना बिजली का कनेक्शन है और फव्वारा चलता है। ये तो पूरे मुस्लिम ही लोग बता सकते हैं, उस पक्ष के लोग कि क्या है। और हम लोगों के लिए वो सनातन शिवलिंग है जी। बोल रहे हैं एक मस्जिद खो चुके हैं, अब एक और मस्जिद नहीं खोएंगे चाहे कितने लोगों की जान चली जाए। भाई प्लानिंग बता रहे हैं मैम, वो स्कीम बता रहे हैं कि इसके बाद ये जाएगा। और जी मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी के अध्यक्ष, शुरू अल्लाह के नाम। एक क्वेश्चन, शिवलिंग है या फव्वारा है? एक क्वेश्चन, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम है रहम करने वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको जांच करा लिए जो कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई कि श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए, और कमीशन दाखिल होगा उस एक मांग की। अगर आपको शिवलिंग चाहिए तो दूसरी पिटीशन दाखिल करिए, और रही वो साबित होने की बात, उसको जांच ही करेगा। अगर उसी जांच को आधार माना लिया जाए तो सारे मुकदमे हटा लीजिएगा, वो एक शिवलिंग मान लीजिएगा। तो हम सब आप मानते हैं अगर वो फव्वारा साबित हो जाए तो आप सारे दावे हटा देंगे, आप मस्जिद देंगे? जी बिल्कुल, अगर वो बोल रहे अगर फव्वारा साबित हो जाएगा तो क्या आप मान जाएंगे? वो फव्वारा
फवारा साबित ही नहीं होगा क्योंकि वहाँ छेदा में डाल के देखा गया है जो वहाँ पर सर्वेयर करते हैं। हम कह रहे हैं अगर मान लीजिए एक लफ्ज आपने एक सवाल पूछा मैंने कहा इसी 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 जिसको आप शिवलिंग कर रहे हैं जिसको मैं फवारा कर इसी के आधार पर फैसला कर लीजिए। फवारा फवारा आपके कब से है फवारा कब आपने बनाया एक मिनट कब फवारा बनाया आपने एक मिनट माता जी आपने कब इसको फवारा को बनाया बताइए। जब फवारा जब मस्जिद बनी है जब मस्जिद बनी तब उसकी तरफ फवारा चलते हुए देखे कभी हमेशा चलता है आप चलते हुए देखे हैं आप कभी फवारा चलते हुए देखे हैं। नहीं जी मैंने नहीं देखा फिर कैसे फवारा जब आपके ऐसा कोई मंदिर अपना मस्जिद बताइए जिसे देवी देवता की मूर्ति रखे हो अगर रखते हैं तो चलिए सारे मस्जिदों में चल के देवी देवता को मूर्ति रखते हैं। मस्जिद में फवारे हैं कि नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है सब में फुहारे हैं आप चलेंगे दिखाएंगे आप दिखाएंगे ये मैं ताजमहल से लेकर जयपुर पैलेस तक दिखाऊंगा सब संगमरमर के फवारे पानी क्यों नहीं आ रहा उसमें उसमें लग जाता है ये तो हजारों साल से चल रहा है। पंप चलने के लिए पाइप की आवश्यकता है एक पंप की आवश्यकता है इसलिए वो हमारा शिवलिंग था है और रहेगा। क्या लगता है क्या लगता है कल सर्वे की रिपोर्ट आनी है न्यायालय में क्या लगता है कि न्यायालय द्वारा कौन सा आदेश आएगा किसके पक्ष में आएगा। हम लोग हमारे पक्ष में आएगा ये मंदिर के पक्ष में आएगा विश्वनाथ जी पक्ष में आएगा और मैं गंगा तट पर खड़ा होकर कहता हूँ वो मंदिर है मंदिर रहेगा और मंदिर था रहेगा जी हमारा मंदिर है हमारे पूर्वज भी कहते थे कि ये मस्जिद है हमारा मंदिर है और हम छोटे थे आज से 25-30 साल पहले उस प्रांगण में खेलते थे लेकिन धीरे धीरे 10-5 साल जैसे जैसे हम बड़े होते गए देखते गए चारों तरफ से मतलब जाल की तरह उसको पैक कर दिया गया आना जाना रहा। और मांग चल रही है कि जो शिवलिंग निकला है उसके पीछे एक दीवाल है दीवाल में एक गेट बना हुआ है जिसको भी हटाने की बातचीत चल रही है क्या लगता है कि वो हटाया जाए या ना हटाया जाए। बिल्कुल हटाया जाए जब वो हटेगा तो दिखेगा कि हमारे कितने सारे एक मिनट जितनी भी चीजें हैं वहां पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी अपने मूल स्वरूप में लाया जाए ठीक है। पुरातत्व विभाग भी कहता है सर्वेक्षण हर किसी चीज को अपने मूल स्वरूप में लाया जाए मूल तब का वो रेडियोएक्टिविटी से जो है वो आपको तत्कालीन सरकार ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की मंदिरों को संरक्षण नहीं दिया था मस्जिदों को संरक्षण दे दिया था। और मैं ये मुस्लिम पक्ष को कहना चाहूंगी कि वो लोग उस जगह पे नमाज आगरा भी बाकी है क्या होगा आगरा में पहले वहाँ शिवलिंग था पहले वहाँ बाबा का मंदिर था अब ताजमहल की बारी है। पहले का नाम तेजो महल है आगरा का ताजमहल का पुराना नाम तेजो महल है। अच्छा मैडम एक बात बताइए फुहारा होता है तो फुहारा बाहर लगता है मस्जिद के अंदर नहीं लगता है फुहारा का मतलब क्या होता है फुहारा खुले में रहे और फुहारा किस लिए लगाया जाता है शोभा बढ़ाने के लिए और जो कचड़े पानी में रहते हैं उसे साफ करने के लिए अंदर है पानी में डूबा हुआ फुहारा कब देखा हमने आज तक तो नहीं देखा। अच्छा चलो तुम्हारा नाम क्या है पुष्कर मिश्रा कितनी आयु है तुम्हारी 13 वर्ष ठीक है कितना ज्ञान है तुम्हें पुराण और विवाद के बारे में इन सभी चीजों के बारे में तुम्हें क्या लगता है कि वो फव्वारा है या शिवलिंग है। देखिए मैडम मेरा एक मानना है कि फुहारा एक पहली बात हम लोग ने स्कूल में ही पढ़ा है विद्यालय में भी गए हैं फुहारा का मतलब होता है शोभा बढ़ाने के लिए लोग पहले आजकल नए मॉडल में लगा रहे हैं पहले के राजा महाराजा फुहारा पहले मशीन तो था ही नहीं फुहारा लगेगा ऊपर से औरंगजेब अगर फुहारा लगाया तो पानी के अंदर क्यों लगाया पहले बात पानी के अंदर क्यों लगाया पानी के बाहर लगाना चाहिए था सबको लगे कि फुहारा है। आज तक तो किसी मस्जिद में हम लोगों ने नहीं देखा कि फुहारा लगा है किसी भी मस्जिद में नहीं दिखता है अगल बगल जो मस्जिद है वहाँ भी कल लगे होते हैं वजू बनाने के लिए वो कल में हाथ धोते हैं वो भी नंदी जिस तरफ मुख करके बैठे हैं वहीं पे फुहारा क्यों लगा और वो भी बंद में टीन शेड उनकी टीन शेड की जांच हो। वो एक और प्रश्न है क्या कारण थे सर्वे ना कराने की बातचीत चल रही इसीलिए अपनी चोरी को छिपाना इस सर्वे ना करने देने का कारण मात्र एक था जो चोरी वो किए हुए हैं उनके जो बारे अब्बा दद्दा लोग जो है तोड़े फोड़े हैं
उस चीज को छुपाना, उसके जुर्म को छुपाना। अब पूरे समाज के सामने, पूरे विश्व के सामने आ चुका है कि उन्होंने जो है अखिलेश जी वहाँ मंदिर बनवाएंगे, उनके पिताजी कार्तिकों पे गोली चलवा सकते हैं, तो वो मंदिर बनवाएंगे। उनको तो कह रहे हैं कि दिखावा हो रहा है सब कुछ, वोट बैंक लेने के लिए बीजेपी करवा रहे हैं। उनका बस, उनका बस चलता ना मैं, उनका उनका बस चलता। मेरा एक प्रश्न है, मुलायम सिंह जी जब सत्य में आए उसके बाद से बंद हुई, उससे पहले नियमित सिंगार गौरी जी का पूजा चलता था, और जैसे मुलायम जी आए 1992-92 में, की बात है, हेलो, सिंगार गौरी माता का पूजन हुआ था, होता था, और जो इसको जबरदस्ती रोका गया मैडम, जो है केवल वो मोदी जी 4 मार्च को जब रोड शो कर रहे थे, तो हमने उनको ये नंदी जी भेंट दिया था और कहा था कि ये नंदी जी अकेले बैठे हैं, इन्हें इनके इष्ट से मिलाएं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि 2 महीने के अंदर इनको इनके इष्ट मिल गए। उस समय सिर्फ हम नंदी जी लेके आए थे और उनको दिया था हमने, और आज मैं इनको इनके इष्ट के संग लाई हूँ। और मेरा नाम शशि भारद्वाज, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है कि 2 महीने के अंदर इनको इनके इष्ट मिल गए, इनके हमारी तपस्या। तो न्यायालय का फैसला भी नहीं आया है, अभी तो सिर्फ बताया जा रहा है कि वो एक शिवलिंग है, एक कश्मकश है, फब्बारा और शिवलिंग की, क्या लगता है आपको? हाँ, खैर नहीं आया है अभी फैसला, हिस्ट्री रही है वर्ल्ड में, आप वर्ल्ड में आप कभी भी नंदी को अकेले बैठा हुआ नहीं देखेंगी। नंदी जहाँ है वहाँ शिव जरूर होंगे। ये हो सकता है शिव किसी जगह पर रहे वहाँ नंदी ना हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं नंदी है तो वहाँ शिव ना हो। ये इतिहास गवाह है इस चीज़ का। अगर डर नहीं था तो फिर ये सर्वे का विरोध क्यों कर रहे थे? मेरा तो यही पूछना है कि अगर इनके मन में ऐसा ये चीज नहीं था कि हाँ ये शिवलिंग है या फवारा है, इस चीज को लेकर अगर दुविधा होती थोड़ा सा भी, तो ये फिर सर्वे का विरोध क्यों करते? अगर ये कॉन्फिडेंट होते कि हाँ ये फवारा ही है, तो फिर ये होने देते सर्वे? पहले तो कितना इन्होंने वो ड्रामा खड़ा किया, फिर जब कोर्ट का फिर से आदेश आया कि नहीं सर्वे होना चाहिए, तब जाके फिर सर्वे का काम पूरा हुआ है और शिवलिंग का दर्शन हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से भी हमारी जीत होगी, जैसे राम मंदिर बना है वैसे ही बाबा विश्वनाथ का फिर से मंदिर बनेगा। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? हम बनारस से ही हैं। बनारस से ही हैं। अच्छा एक बात बताइए, जिस दिन ये याचिका दायर हुई और ये सर्वे हुआ, उस दिन मन में क्या लगा, क्या उम्मीद आई और क्या खुशी? ये उम्मीद थी कि जरूर शिव मिलेंगे, जरूर, और सच में शिव मिल गए, ये बहुत खुशी, क्योंकि नंदी बहुत दिनों से अकेले बैठे हुए थे, और उनका अकेला बैठना नहीं, वो दिन रात उनको देख रहे थे अपने इष्ट को, और उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए, प्रभु ने दर्शन दे दिया उनको। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मेरे बनारस वालों का भी, मैं खुशी वर्णन नहीं कर सकती कि वो कितने खुश हैं। तो अब मंदिर खुलेगा तो हम उनकी पूजा अर्चना खूब धूमधाम से करेंगे। चलिए, जनता से हमने बातचीत की और देखिए यहाँ पे अभी तक न्यायालय का फैसला नहीं आया है, परंतु बनारस के जो लोग हैं, जो बनारस में इतने सालों से रहते आए हैं, जिनकी आस्था कहीं ना कहीं मंदिर से जुड़ी हुई है, उन्होंने अपने मन में ये फैसला ऑलरेडी बना लिया है कि वो एक मंदिर है और बहुत जल्द न्यायालय द्वारा मंदिर का फैसला आएगा। परंतु आने वाले टाइम में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो भी सर्वे रिपोर्ट दर्ज की जाती है, सबमिट की जाती है, उस रिपोर्ट के तहत क्या फैसला आता है, क्या उस मस्जिद को मस्जिद ही रहने दिया जाएगा या उस मस्जिद को मंदिर बताया जाएगा। कैमरामैन करण के साथ मैं कनिका, वाराणसी का। पार्वती पते हर हर।